अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का सबसे नया वीडियो सामने आया है और इस बीच वहां पर फूलों की सजावट तो की ही गई है। सबको प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म अभिनेता मनोज जोशी भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि उनकी फिल्म 695 राम जन्मभूमि आंदोलन पर आधारित है जो 19 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। बातचीत में मनोज जोशी ने बताया कि कार सेवा के लिए वो भी घर से निकले थे लेकिन घर वालों ने उन्हें वापस बुला लिया था, ये फिल्म में दिखाया गया है। तो खास बातचीत उनसे आप सुनिए। तो 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, अयोध्या में पूरा भारत है और हम सरयू माँ सरयू के तट पर बैठे हैं और हमारे साथ जो है गुजरात से चलकर आए प्रभु राम के दर्शन करने के लिए विशेष आमंत्रण पर प्रभु राम ने चुना इनको मनोज जोशी जी हैं भाई। अच्छा, एक इत्तेफाक और संयोग कह लीजिए, 695 मनोज जी की एक फिल्म भी आ रही है उसमें आप रामलला के जो पक्ष उनका किरदार आपने निभाया। जी, 695 ये जो फिल्म आ रही है हमारी आई है 19 तारीख को रिलीज हुई है पूरे भारतवर्ष में, 1528 से लेकर 2023 तक जो हमारी प्रतीक्षा रही इतने वर्षों की, एक बर्बर आक्रांत आता है, मंदिर को ध्वंस करता है, चला जाता है, 70 वर्ष तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी 2023 तक। आपके लिए 22 जनवरी का मतलब मनोज भाई? मैं बड़ा भावुक हूँ प्रभु, इस समय मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि उस कार सेवा में मैं भी निकला था घर से लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। मुझे मेरी माँ बड़ी चिंतित थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे मित्रों को भेज कर मुझे बुला लिया। आपकी आंखों में आंसू आ रहे? तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये बात शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, ये वर्णातीत है। और दूसरी एक बात, मैं जिस घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी कीर्तनकार थे और वो हम सबके भारतीयों के डीएनए में है राम। राम मेरे भारत की आस्था का केंद्र है, आस्था है, मेरे भारत का श्वास है, मेरे भारत का इतिहास है, मेरे 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 भारत का श्रद्धा स्थान है राम, इसे कोई नहीं छीन सकता हमसे। और उनका जन्म स्थान ये सब कहता है और फिर भी इतने वर्षों तक हम चुप रहे, हम कुछ नहीं कर पाए और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये उसके बाद ये सब सुनने के बाद, सब प्रमाणों को सुनने के बाद इसका रास्ता जो है वो उसके निमित्त बने पराशरण जी और इस फिल्म में मैं उनका किरदार निभा रहा हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है, ये माता सरयू जिसकी रज से मतलब एक एक कण से स्पर्श हुआ है राम जी का और वहाँ बैठकर हम आज संवाद कर रहे हैं और राम जी की भूमि में हैं, ये भी एक मुझे लगता है ये कुछ संयोग है और इसलिए मैं आया हूँ। तो भाव विभोर हूँ और कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हम तट पर बैठे हैं, मनोज जी हमारे साथ हैं। अच्छा, एक इत्तेफाक और संयोग कह लीजिए, 695 मनोज जी की एक फिल्म भी आ रही है उसमें आप रामलला के जो पक्ष उनका किरदार आपने निभाया। जी, 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 क्या बताएंगे थोड़ा सा उनके किरदार के बारे में और कैसे वो पूरा संघर्ष जुड़ा हुआ है 22 जनवरी से? 695 ये जो फिल्म आ रही है हमारी आई है 19 तारीख को रिलीज हुई है पूरे भारतवर्ष में, 1528 से लेकर 2023 तक जो हमारी प्रतीक्षा रही इतने वर्षों की, एक बर्बर आक्रांत आता है, मंदिर को ध्वंस करता है, चला जाता है और उसके पश्चात मुगल शासन में तो पुनः ये मंदिर बनना संभव नहीं था, बिल्कुल ब्रिटिश शासन में भी ये मंदिर बनना संभव नहीं था। उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली, हमें स्वातंत्र मिला, उसके बाद भी राम जन्म स्थान पर राम मंदिर नहीं बना। 75 वर्ष तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी 2023 तक। तो ये भगवान रामचंद्र जी का वनवास 14 वर्षों के बाद पूर्ण नहीं हुआ, उसके पश्चात इतने वर्षों तक 505 वर्ष की प्रतीक्षा और उसके बाद तारीख पे तारीख हुई